नमस्कार, हमारी यात्रा आज पहुंची है समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड और उजियारपुर प्रखंड के लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत में हम हैं यहाँ। और यहाँ एक मामला प्रकाश में आया है, यहाँ पर मनरेगा के तहत जो काम होना था ये पोखरा उगाही का, उसमें जेसीबी का उपयोग भरपूर किया जा रहा है और जो यहाँ के मजदूर हैं वो निराश हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूँ न जागे अगर तो खतरे में लोकतंत्र होगा और आने वाला कल बहुत ही दुर्बल होगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी ने जो सपना देखा था कि ग्राम पंचायत को स्वरोजगार मिले, रोजगार के अवसर से जोड़ा जाए, यहाँ शांति समिति का सारा चीज़ हो, लेकिन इन सभी चीज़ों को हटा करके जेसीबी से काम हो रहा है। और जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें मिली भगत से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर और अवैध रूप से पैसे की उगाही करते हैं और इन जैसे जो गरीब लोग जो मनरेगा के इस रोड में आप काम की थी। कितना दिन काम की इस रोड में? 5 दिन। हाँ, पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला? नहीं। तो रोड बना तो 6 महीना हो गया, 6 महीना पुराना है पैसा। अभी तक तो पैसा मिल गया होगा? नहीं, हमको सक नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला है नहीं। पैसे के लिए बोले थे आप? हाँ, मांगे थे पैसे, जी दीजिए पैसा, किसी जी देंगे ऐसे। ये पैसा जो है ये तो पैसा आपके खाते पर आता है, एट ए टाइम आ जाता है खाते पर, तो खाता पर नहीं आया पैसा? हमको खाता उता नहीं लिया था। क्या नाम है? अनिता। क्या मामला? अनीता देवी। क्या मामला? इस पोखर में आपने काम किया है? हाँ, हम किए हैं। कितना दिन काम? 4 दिन हम बोलते हैं तो 4। क्या किए हैं इस पोखरी में आप? वहाँ माटी सब मिल पर इतना इतना धरता था, वही पर थोड़ा थोड़ा तनिए तनिए दिन खेप धर दिया सब। यहाँ काम कलहर है ना, तीन खेप माटी इतना इतना। पैसा मिला? सरकार ने पैसा दिया? नहीं, हमको पैसा नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। सब काम नहीं किया है, जेसीबी से काम हुआ है, मनरेगा के तहत लेबर से काम कराना था, लेबर से नहीं काम कराया गया है। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार गरीबों के लिए ये योजना को जिंदा करके रखी है, तो क्या लगता है कि जेसीबी से काम होना चाहिए या फिर मजदूर से काम होना चाहिए? मजदूर से होना चाहिए, जेसीबी से काम नहीं होना चाहिए। इसके जो पदाधिकारी है वहाँ आप लोगों ने ग्रामीण स्तर से शिकायत की? शिकायत की है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है ये काम हो जाएगा, अभी तक नहीं कुछ हुआ है। ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद। नहीं, काम हो रहा है उसमें जनता काम नहीं करे, जेसीबी से काम। हाँ, और बात पैसा यहाँ पर सुना गया है कि हकीकत बात है, जो व्यक्ति यहाँ पर काम किया 2 दिन 4 दिन तो सिर्फ जेपीसी से काम हुआ, सोझे कोदारी लेकर के आ खुरपी लेकर के आ छिट्टा लेकर के सोझे सोह में फोटो घिच करके और पैसा फोटो खिंचाया किसी को आ खाता पर गया पैसा किसी को। ये भी जाँच के विषय, जाँच करेगा अपने पता चल जाएगा कहाँ क्या है से। जी, जो जैनुल है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रंजित कुमार सानी। किसी पोस्ट पे भी हैं ये जनप्रतिनिधि हैं? हम 2 नंबर वार्ड के पत्नी, वार्ड नंबर भोली देवी नाम है। यहाँ के मजदूर सब काम नहीं कर, काम नहीं कर। क्या मामला है यहाँ का? यहाँ मजदूर सा जी बताइए क्या मामला है? मामला यही है, मनरेगा तरह से काम किया पंचायत समिति की थ्रू जी, उसका भतीजा के नाम है मिलन जी, उसका सोनी कुमारी उसको चाची है, पंचायत समिति। शुरू में काम किया गया तो इस पोखरी में पानी था तो दक्षिण के ओर से गुलिया करके पानी था, उसमें जेवरा था तो उसको कहें जेवरा है, तो वो बोला जेवरा है तो आपको पानी छोड़ करके जेवरा होगा तो हम धर देंगे, अंत पानी आपको चाहिए तो पानी छोड़ कर देंगे। हम लिए तो ठीक है, इतना जेवरा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तू पानी छोड़ करके देना, वैसे छोड़ना नहीं। पानी कहाँ छोड़ने की बात कर रहे हैं आप? ये पोखरी से पानी छोड़वा देंगे हमने, ठीक है बनिया से धोबियाई पोखरी में पानी छोड़वा दिया था पूर्व पंचायत समिति, हम कहे ठीक है भरोसा दिया, काम चालू किया तो जेपीसी से काम कर रहा था, तो जेपीसी से काम कर रहा था भीरा काट रहा था, हम कहे रहते भीरा काहे काट रहा, भीरा नहीं काटो जेपीसी से, जो स्थल है 3 फीट है तो कम से कम 2 फीट काट दो, 1 फीट काट दो, लिच्चा से माटिया फेंक दो ऊपर, तो नहीं हम जैसे काम करेंगे वैसा ही करेंगे, मनमौजी काम किया। उसके बाद में जेपीसी चलाते रहा, हम वहाँ रोक करके चल गए घर, हम बोले तो उधर छोड़ देना, जेवरा है उधर छोड़ देना, तक छोड़ देंगे,
काम शुरू किया, काम कोर काट करके जेपीसी से रख दिया भीरा पर। आ भीरा पर रखने के बाद में उसके बाद 10 दिन के बाद में फिर जेपीसी से लाया तो सोझे इसमें डाभी था, डाभी को इसको उड़ा दिया जेपीसी से। आ जेपीसी से डाभी उड़ा करके और उसके बाद में क्या किया, कोर बना रहा था, अमाउंट लगाया 80 आदमी के 85 आदमी के अमाउंट बिल लगाया आ था यहाँ 12 आदमी। तो हमको पता लगा से काम हो रहा, हम कहे तो काम हो रहा, तो जाँचे ओकरा कभी 3 फीट कम से कम नहीं होते, 2 फीट खून रहता। तो वो आए तो देखे 12 आदमी था तो कहा कि हम कहे रे कोर जो कटे छह तू 3 फीट पुराबे के हिसाब से कोरबा कटे छह, कोरबा ऐसे नहीं काटी, तू धरती में से माटी उठा कर तू 1 फीट फेंक लेकिन चौरस फेंक दही आ तू अपन पास करा ले, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, इतने बात है। वही के बाद में जाकर हम कहे जेवरा के बात है तो जेवरा हमें बुझबे कि हमारे बुढ़ गए जे मनरेगा के तहत काम हो रहा था, मनरेगा के तहत काम हो रहा था लेकिन पोखरी में जेवरा था। यहाँ पर के जनता भी बतलाएगा पोखरी में जेवरा था, एक कोना में था दक्षिण के ओर से स्कूल के बगल से। कितना नुकसान हुआ? लगभग 30-40 हज़ार के नुकसान, 50 हज़ार के लपेट में। ये पोखरी सरकारी पोखरी है ना? सरकारी पोखरी है, पट्टा मेरे पत्नी के नाम से है जी। हाँ, 5-8 साल से पोखरी हम जोत रहे हैं। तो आपने तो एनओसी दिया होगा ना इसको खोदने के? नहीं, हमसे एनओसी गया था लेने के लिए, एनओसी लेकर के गया तो लिख करके दिया है, रख नहीं है लिख करके, तो एनओसी लेकर के गया तो हम कहे इसको पोखरी में काम करबे नहीं किया, तू पानी कहा छोड़ बा करके देंगे पोखरी में, तो पोखरी में पानी नहीं हुआ। और उसके बाद में तू कह रहा है से मतलब कि एनओसी पर हमको दस्तखत करो, हम कैसे दस्तखत करेंगे तू ही बतला। आप कहना चाह रहे हैं कि जीव हत्या भी किया है? हाँ, जो बात है से आ यहाँ पर काम किए हैं ई, इनको इनको थोड़ा 2 लाइन पूछ लिया जाए, काम किए हैं कैसे कैसे काम किया, पैसा कैसे कैसे इनको मिला कि नहीं मिला। आपने इस बात की लिखित शिकायत ऊपर अधिकारी से की? हाँ, लिखित शिकायत हम प्रखंड में दिए जी, उसके बाद में लिखित शिकायत हम डीएम साहब के पास में जा करके रिसीविंग करा करके चला गया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला मतलब कि डीडीसी के पास में गया है, वो बोले हैं कि जाएगा जांच करने के लिए। आज बीपीआरओ साहब से बात किए हैं जी, बीपीआरओ साहब से बात किए तो बीपीआरओ साहब के कहे तो बीपीआरओ साहब का हमको पता है जेपीसी से काम कराया गया है, आपको नुकसान किया है लेकिन आपको कहना है से 3 फीट नहीं है तो 2 फीट 1.5 फीट हत्ता कम से कम पूरा चौरस के खून करके हटा दे, लेकिन वो नहीं किया है, हम पैसा रोक दिए हैं, पैसा अब नहीं जाएगा।